वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज आ गए आप ग्रोसरी लैन कॉस्को विच। हमेशा बंदे की ग्रोसरी तो पता लगता है भी बंदे की सेहत किवें होगी, ठीक है जी। एक बार वेख लो आप की लिया कि आलू सेब संतरी, ठीक है, खजूर केले काजू। डाइट खानी बहुत ही जरूरी है वीर, जिम लाने तो पहलों। इस तो बाद हम आप घर अपने बैग बूग चुक के जिम वाला तो तुम मिलते जिम आज ग्रोसरी ले ली आप अपनी डाइट है ना वही आप खाई दा सब तो वधिया गल। बेशक आप पावर लिफ्टर हाँ, सानू हुंदा भी ज़्यादा खाइए जिहदे नाल एनर्जी आवे शरीर च ताकत आवे, पर बेशक पावर लिफ्टर हैगे आ पर आप जिहड़ी डाइट एकदम क्लीन आ, क्लीन खाना बहुत जरूरी है। जे क्लीन नहीं खाते भावें तुसीं स्ट्रोंग मैन जो कुछ भी है तुहाडी बॉडी दे विच फैट ज़्यादा पऊगी ते स्ट्रेंथ घट आऊगी। हाँ जी हूँ आप करन लगे हैं जी थोड़ी जी स्ट्रैचिंग। ये इस करके कि मसल जिहड़ा आ एकदम वधिया गर्म गुरम हो जाए तो ये करनी लाजमी है जी। जरूर तुसीं करिया करो जिम लाउण तो अपने वर्कआउट स्टार्ट करन तो पहलों ना, ये चीज़ां कुछ इहदियां नहीं जिहड़ियां बहुत जरूरी ने ते कई वीर जिहड़े करदे नहीं। इदां हुण देखो आपां अपने थोड़े शोल्डर दे नाल मोबिलिटी भी वधिया हो जाती है ना, इदा बैंड पा के हुण देखो अगे नूं जिदा खिंचण डे आ इदा शोल्डर भी गर्म हो जाते हैं ब्लड भी चल जाता तो ये मोबिलिटी लिए भी वधिया है। ये अपनी रेंज ऑफ मोशन डैप्थ वगैरह बहुत ही ज़्यादा वधिया हो जाती है ना। घट्टो घट भी तुसीं 10 बार एक हाथ ना करो, ठीक है जी, तो 10 बार फिर दूजे हाथ ना करो। ये पहले आप शोल्डर कर रहे हैं इनू जो आप थोड़ा जहा साइड से लैके जावे हूँ ये अपने जोड़ा शोल्डर के नाल अपर पै के ना चैसट का ये चीज़ हम पूरी स्ट्रैच होगी। ये बहुत ही वधिया चीज़ है मेरे पहलों जिदा चैसट वगैरह रिकवर टाइम लेंदी होंगी है ना, रिकवरी काफ़ी टाइम ले लेना इदा होने भी वधिया स्ट्रैच हो जाता तो रिकवरी हो जाती है तो मसल जोड़ा वा वो इन्ना टाइट भी नहीं रहा। तो ये जरूर करो तो दस्यो थानू किवें दी लगी, ठीक है जी। हुण आपां दूजे हथ ना करांगे सेम चीज़ ही आ इते इन्नी वारी दूजे हथ ना करांगे हुण। जी एक्सरसाइज बहुत ही वधिया है ये अपने जेडे लैट्स वगैरह ने यह वधिया ट्रेन हो जाते हैं। गोरा आ गया बिच ये बड़ा मिलता है तगड़ा है भी मुंडा, ये सट्टा ही लगिया नहीं दियाँ दाह दिन बाद आ जाए कहना मेरे सट्ट लग गई मेरे ये हो गया ये जी नहीं करता हम मेहनत लाने। आ देखो ये आप थोड़ा जहा ना अपनी ची ची के नालों पैन खिंचन डे हैं तो अरकं जड़ियाँ अंदर न खड़न ने जिदे कि अपने लोअर लैट्स वधिया तरह इंगेज होन तो जी मिडल बैक है ना वह भी वधिया तरह इंगेज हो जाए, क्योंकि कई बार ये जो वार्मअप ना हो ना तो मैं आप बेंच प्रेस लाने उदो अपना यह मसल जहाँ कई बार टाइट जहा आता है कड़ाली जी पै जी, क्योंकि ये आप वार्मअप ही नहीं चज ना करते ये भी बड़ा पंगा। हूँ थोड़ा जहाँ खिंचन डे इन भी चंकी तरह अपने मसल जे गर्म हो बाद चो ना तंगी हूँ आप अपर ट्रैप सरियल डेल्ट ये वार्मअप करने ये चीज़ा तू दिखाई जाएँ आ, क्योंकि जो आप करते हैं तू पता लगे तो सीधा जाके मेहनत ना लाओ तो इंजरी तो बचो, क्योंकि एक बार जो इंजरी हो गई ना तो फिर बाबा बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाता है ना, फिर बंदा अगे जाने की जगह कि पिछे चल जाता। तो आ गल आज हूँ तुम अगे हम एक्सरसाइज विखाइए।
ਇਨਕਲੇਨ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਡੰਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਡੰਬਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਸੈੱਟ ਇਹਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ 8 ਤੋਂ 10 ਰੈਪ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। Thank you.
हाँ जी आप ट्राइसेप हुण पूरी हैवी लाई आ, जिन्नी भी हैवी आप ला सकते हैं, तो वो तो वो रैप लाए ने। ठीक है जी, वीडियो तुहानू जे वधिया लगी तो जरूर इन्हें सबसक्राइब लाइक तो शेयर कर दिओ, वो तो वे शेयर करो, क्योंकि देखो ये जो ही आ अपने वीर करके ही आ, सिखा करके ही आ। जे सिखा ने प्यार दिता तो ही आप इतने तक पहुँचे हैं। ठीक है जी, सिखा तो बिना आप कख भी नहीं गए, कोई भी कख नहीं है। गुरु की फौज जी है ना, वो ही आसरे सारा संसार चलन दिया। महाराज की कृपा सदका, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा सदका। तो बड़ा चिर हो गया आप लाइट वर्क ही ज़्यादा ला रहे थे, कि मैनू इदा फील हो रहा है कि मेरे जोड़े मसल वीक हो जाते, तो मैं शोल्डर डंबल प्रेस लाना हट गया, शोल्डर प्रेस रॉड से लाना हट गया, है ना, मिलटरी प्रेस भी जिन्हों आ देंगे, ट्राइसेप में हल्के हल्के मशीन से लाने। तो मैं इतने कितना कितने लगन डे भी यार मेरे मसल ना काफ़ी वीक जो ही आए ने, तो हूँ मैं जिदा कंपाउंड मूवमेंट से लाना शुरू किया, तो हूँ हौली हौली थोड़ा जहा मैनू फिर वो वधिया फील हो रहा, क्योंकि जिदा मेरी बॉडी ने अडाप ही वो कर लिया। हाँ जी, आ ट्राइसेप की एक बहुत ही वधिया एक्सरसाइज आ, ये नाल तुहाडी बेंच प्रेस भी जी बहुत ही ज़्यादा वधिया वधूगी। पर यह आ भी इनू गलगलावा जहा नहीं लाना, ठीक है ना, एवं दलिद्रपुणा जहा नहीं करना, तो हैवी जान की भी कोई लोड़ नहीं। हैवी जाओगे तुहाडियां अरकां भी खराब हो सकदियां, जॉइंट भी। इनू रमान दे नाल हल्का जहा वेट दरमियाना जहा मीडियम, तो कोशिश करो भी डंबल इदा जोड़ के ते तानू सीधा चुको, उत्ते थोड़ा कु रोको तुहाडे मसल ते जोर पवे। ये एक इन्नी वधिया एक्सरसाइज है, जदों अपनी जिहड़ी बेंच प्रेस है ना जो थले विचकारे कितें अड़दी आ, वो ये मसल इन्ना स्ट्रोंग हो जाता भी फिर बेंच अपनी अड़ती नहीं गई। इनू घट्टो घट भी तुम महीना एक्सरसाइज में अपने स्कैजुअल च लाओ, ट्राइसेप जो भी लाने तो रिजल्ट बहुत वधिया आने। मैं कोशिश करूँगा भी ये नाल ना ड्रॉप सैट लाव, ये लाव तो उस बाद लाइट वेट के नाल भी लाव। आ जी हम अपना ड्रॉप सैट आ भी पाउंड दे अपना डंबल फड़ लेने, कोशिश करांगे भी वध तो वध रैप निकल ते मसल ते ऐं पूरा लोड आवे। माइंड मसल कनैक्शन बनाना बहुत ही जरूरी आ। ठीक है जी, मैं चाहुंदा ते हैवी भी ला सकदा पर उहदा फायदा घट होना सी, नुकसान बहुत ज़्यादा होना सी। वो इदां हुंदा आ भी अपनियां जिदा जॉइंट्स ते लोड ज़्यादा आना, इहदा अपने कई वारी मसल उन्ने स्ट्रोंग जे नहीं गए, ये समझना पैना भी कितने का अपन मसल फील हो रहा है कितने का नहीं हो रहा, दर्दा तो सट्टा पिटा तो बचा रखना। आप थोड़ा क वेट वधाया, अगे 22.5 से सी हूँ 25 के डंबल ले लेने, तो ड्रॉप आप इत भी लावे। ठीक है जी, तो ये चीज़ा तो तुम दस रहे हैं भी तुम कितना कि ना सोचो भी हैवी लाई जाना है तो आप इंजरिया करा लेना। हैवी लाना पावर लिफ्टिंग दे जरूरी है, पर उस तो पहलों तुम उस हैवी तक पहुँचने लिए लाइट वेट के नाल अपने मसल में स्ट्रोंग करने वो तो ज़्यादा रैप लाने बहुत ही जरूरी है जी। जे ता मसल ही स्ट्रोंग नहीं उन्हें लोड नहीं लेना, जो उन्हें लोड ना लिया तो इंजरी होनी। ठीक है, ये गल ध्यान रखियो मेरे वीर सारे, तगड़े हो जाओ। पर ट्राइसेप लावे मशीनों के उत्ते, ठीक है जी, आ बहुत ही वधिया चीज़ आ, ये ग्रिप हो ना तो भी वधिया, ये हैंडलों जिदा लंबे ने तो चेस्ट आउट करके बाहवा पिछे करके अपनी अरकां, ठीक है जी, तो इनू वो तो वह उत्ते ज़्यादा जान देना भी अपना मसल पूरा स्ट्रैच हो, थले उन्ना कु रखना जिसे तेजे मसल से जोर आन दिया हो, बोन से जोर ना हो, हड्डी से जोर ना आए। कई दी टेंडन बोन जी है ना इतों ही खराब होंगी है, जब आप पूरा पिछे करते हड्डी से जोर आता मसल से हट जाता, कोशिश करना उत्ते पूरा जाओ।
हाँ जी, अज का अपना जो वर्कआउट से वह आप सारा दिखाता है, बेंच तो लैके ट्राइसैप तक। कई वीर पुछते हैं तो बेंच के नाल की लाते हो, देखो अज मेरी जी दर्द सी ना ये नहीं हुई, अगे ना रिकवर है क्योंकि मैं स्ट्रैचिंग रोज़ करदा। माइंड स्ट्रोंग होना तो बहुत जरूरी है, तो मैं आह दस रहा ठीक है जी, क्योंकि जो माइंड ही स्ट्रोंग तू पहलों ही तरी कह देना भी हाँ यार बस थक गए हूँ आप बस की नहीं गल, मसल इन्नी छेती नहीं थकता, माइंड ज्यादा थक जाता। तो तगड़े हो के मेहनत लाओ मेरे वीर, खुराक खाओ तो अपने पंजाब का नाम रोशन करो, अपने घरद्या का, अपना अपने देश का। जे मेहनत लाओगे तो चंगे काम करोगे, नशा पत्तियां तो बचोगे तो ही फायदा है ना, क्योंकि अपना जोड़ा इतिहास बहुत व्डा आ, बहुत आप जंगी जूदे सूरमे बंदे हैं। तो आज अगे हम तुम जी मेन चीज़ आ वर्कआउट तो बाद दिखाने जिन्होंने आते स्ट्रैचिंग। ठीक है जी, जे तुहानू वीडियो वधिया लगी होवे तो तुसीं चैनल नू कर दो सबसक्राइब, वीडियो नू लाइक शेयर कमेंट करके जरूर दस्सिओ तुहानू किवें दी लगी, ते वध तों वध तुसीं इस वीडियो नू अगे तों अगे पहुँचाओ, जो कि जिहड़े वीर अपने अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रेनिंग की फीस वगैरह वो ये वेख के तो उन्हां दा कोई ना कोई फायदा होवे। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि वीर जी असीं अफोर्ड नहीं कर सकते पर ट्रेनिंग करने के बड़े शौकी हैं। वाहिगुरू जी का खालसा जी की फतेह, मिलते हैं अगली वीडियो।